तो गाइस वेलांकनी में यहाँ पे आप देख सकते हो श्राइन बेसिलिका यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे फिश लैंड मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट है और यहाँ पे अभी हम आए हैं खाना खाने। चलिए, रेस्टोरेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर एक केज है और यहाँ पे प्यारे प्यारे पैरट्स दिखेंगे आपको, बहुत ही कलरफुल है, ये येलो में है, वहाँ पे एक ग्रीन पैरट है और यहाँ पे एक ब्लैक है, रंग बिरंगे पैरट्स। तो फिशलैंड मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट का ये एंट्रेंस है, सो गाइज ये इनका मेन्यू कार्ड है फिशलैंड मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट का, आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट सूप्स नॉन वेजिटेरियन स्टार्टर्स एग्स चिकन सी फूड ये सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो गाइस हमने चिकन चेटिनार और साउथ इंडियन पराठा और ये रोटी ऑर्डर की है। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं इस साउथ इंडियन पराठा को, तो इसे कुछ इस तरह से खाया जाता है। ओके, तो ये सबसे पहली बात अगर आप नोटिस करोगे इसमें करी लीव्स मुझे नहीं दिखा, लेकिन ये आप देख सकते हो कोरिएंडर के लीव्स हैं और यहाँ पे रेड चिल्ली भी डाला है उन्होंने। इसमें कोकोनट डाला है और इतना स्पाइसी नहीं है, माइल्ड स्पाइसी है, पर हाँ अगर आप ये चिलीज को बाइट करोगे तो आपको बहुत स्पाइसी लगेगा, पर वैसे मसाला इतना स्पाइसी नहीं है। और ये यहाँ पे देख सकते हो आप ये अनियंस डाले हैं और कोकोनट का बेस है। एक्चुअली मैंने सुना था कि चिकन चेटिनार बहुत ही स्पाइसी होता है, लेकिन अगर आप माइल्ड स्पाइस प्रेफर करते हो तो आप यहाँ पे आके ये ट्राई कर सकते हो, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये रोटी है आप देख सकते हो, ये रोटी को भी इसके साथ ही ट्राई करते हैं। ये एक्चुअली पराठे के स्टाइल में ये रोटी बनाई है। बहुत सॉफ्ट रोटी है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये पराठा या रोटी जो भी है वो आप यहाँ पे आके ऑर्डर कर सकते हो। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो मैं कहूँगी कि आप चिकन चेटिनार और साउथ इंडियन पराठा ऑर्डर कीजिए, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले इस बांगड़ा फिश को ट्राई करते हैं, यहाँ पे इन्होंने नींबू दिया है। नीमुड़ा,
देख सकते हो बहुत ही गर्मा गर्म फिश है। इसमें से खा लेता हूँ, क्या पता था। बहुत ही मज़ेदार है फिश। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत ही पतले पतले स्लिट्स दिए हैं ताकि मसाला जो है वो इस फिश के अंदर तक जाए और फिश अच्छे से मैरिनेट हो। फिश का मैरिनेशन बहुत अच्छा है। जो आप घर में मसाले यूज़ करते हो, चिली पाउडर और हल्दी पाउडर वगैरह, ये सब मसाले डाल के सिंपल प्रिपरेशन है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार फिश है। अगर किसी को बांगड़ा पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको बांगड़ा फिश पसंद है। बहुत ही गर्म है गाइस, मतलब किचन से जस्ट अभी लेकर आए हैं और मज़ेदार। अभी ये फिश का थाली नॉनवेज मील्स ट्राई करते हैं। ये जो थाली है यहाँ पे, अगर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे पापड़ है, राइस है, ये क्या बटर मिल्क है, ये क्या है, छाछ है, बटर मिल्क, ये बटर मिल्क और ये रसम, ये रसम, ये बटर मिल्क, ओके, और ये फिश करी, फिश करी, फिश करी और बीटरूट सब्जी, बीटरूट का सब्जी, ये दाल सब्जी, ये कौन सा सब्जी है, एनी वन सब्जी, मिक्स सब्जी, मिक्स सब्जी, क्या है इसमें, मिक्स पोटैटो, पोटैटो और पिकल दिया है। तो अगर आप ये थाली ऑर्डर करते हो, ये बांगड़ा जो है, ये फिश फ्राई आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ेगा, ये इसके साथ नहीं आता, ये अलग से ऑर्डर किया है हमने। और फिश थाली में आपको ये सब आइटम्स मिल जाएंगे। और ये कौन सा अपलम पापड़ है, अपलम, अपलम। से पहले पापड़ से शुरुआत करते हैं, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट पापड़ है। थोड़ा सा राइस लेते हैं, और यहाँ पे इन्होंने एक फिश, बांगड़ा फिश टेल दिया है। काटों को साइड कर दो और ये मस्त फिश अभी हम एंजॉय करेंगे। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। खट्टा है, सबसे पहला टेस्ट आपको आएगा कि ये करी जो है खट्टी बनाई है और प्याज टमाटर वगैरह डाल के बनाया है। कोकम डाला है क्या इसमें, खट्टा खटास आ रही है, नहीं नहीं करी, उसमें क्या खटास के लिए क्या डाला, कोकम यूज करते हैं आप लोग, कोकम, इमली, इमली डाला है, या इमली, नहीं नहीं फिश करी में क्या डाला है, खट्टा है, इट्स सा, फिश करी मींस इट्स इट्स वेरी सा, सो व्हाट हैव यू यूज्ड इन दिस, हिंदी जिनको नहीं पता एक्चुअली। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है, पुरी पुरी कोकम इमली क्या डाला है, इमली डाला, इमली डाला है, इमली। आप शेफ हो, ओके, आपका नाम किशोर, तो हमारे साथ यहाँ पे शेफ किशोर है। करी बहुत अच्छी है और इमली डाला है ना आपने, अच्छा जो फर्स्ट टेस्ट आएगा आप एक बाइट लेते ही फर्स्ट इमली का खट्टा सा टेस्ट आएगा आपको, स्पाइसी और खट्टा दोनों है इस कढ़ी में।
अभी इसको ट्राई करते हैं, ये बीटरूट की सब्जी है। बीटरूट में कोकोनट डाला है और ये आप कड़ी पत्ता देख सकते हो, कड़ी पत्ता का झोंक दिया है। कोकोनट ऑयल में बनाते हो? कोकोनट ऑयल में, जब वाटर पड़ता है तो कोकोनट ऑयल। अच्छा, जब नॉर्मल ऑयल। ओके, इसका भी अच्छा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है। एक्चुअली ना बीटरूट ऐसे ही खाएंगे तो इतना टेस्ट नहीं आता है, लेकिन ये सब्ज़ी में इन्होंने कोकोनट डाला है तो कोकोनट से बहुत इसका स्वाद इन्हेंस हो गया है। ये कुछ मिक्स्ड सब्जी है, मुझे इसमें कुछ दाल दिखाई दे रही है। दाल है, राई है। बड़ी सूखी दाल है, सौंफ डालते हो इसमें? सौंफ दाल है। फर्स्ट फ्लेवर जो आया मुझे, सौंफ का फ्लेवर आया। और कड़ी पत्ता है, आप देख सकते हो इसमें लाल मिर्च है। ये सिंपल सिंपल सब्जी है लेकिन बहुत ही यम्मी है ये वाली। और यहाँ पे ये पिकल और ये रसम बोला है हमने, इस रसम को मैं राइस पे नहीं पर इसको ऐसे ही ट्राई करती हूँ। रसम मसाला मस्त एकदम। आप या तो खाना खाते समय इसको एंजॉय कर सकते हो, या तो यू नो जस्ट ऐसे सिप कर सकते हो, या राइस के साथ मिक्स करके खा सकते हो। और ये बटर मिल्क दिया है, ये चिल्ड बटर मिल्क है एकदम। चलिए तो अभी मैं खाना एंजॉय करती हूँ और ब्लॉग में आपसे कंटिन्यू करती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ। ये बासा फिश बिरयानी। या बासा फिश बिरयानी, थैंक यू। ये कौन सा राइस यूज करते हो आप? कोलम है ये? कोलम राइस है? कोलम राइस है ये? कोलम राइस है। ओके गाइस, तो इन्होंने बताया कि ये कोलम राइस यूज करते हैं और ये बासा फिश बिरयानी ऑर्डर की है हमने। तो इन्होंने मुझे बताया था कि इसमें 3 बासा के फिश पीसेज आते हैं, ये आप देख सकती हो। और ये थर्ड, ये तीसरा फिश पीस। और ये बोनलेस फिश है, बासा फिश। यहाँ पे रायता भी दिया है। ये देखो, बहुत ही सॉफ्ट फिश है, अगर हाथ में जब आप लेते हो उसको, बहुत ही सॉफ्ट है। मज़ेदार है। ये इन्होंने कोलम राइस, मुझे लगता है कि फिश मील्स में जो था ना वो कोलम राइस था। ये मुझे बासमती चावल लग रहा है, शायद ये बासमती चावल है। बहुत ही सॉफ्ट राइस है। सबसे पहला फ्लेवर जो आता है वो पुदीना का फ्लेवर आता है, मिंट का फ्लेवर आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। जैसे यूजुअली बिरयानी में मिंट का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और बाकी के मसाले जो है वो हल्के मसाले हैं, लेकिन ये बहुत मज़ेदार है। अब कोटिंग अगर देखोगे अंदर,
बहुत ही जूसी है ये, वेरी नाइस। So we have a family here. Hello ma'am, I have a YouTube channel called Food Venture Folks and I make all food related videos on my channel. So I just see you guys eating, just wanted to ask you, how do you find the food here? It's good. Khana kaisa laga? Acha hai. We come here. Okay, you all come here. So you all have come to visit Velankanni, yes, the shrine. Okay. Okay, enjoy your food. What have you all ordered? I think it's egg curry. Okay, and the fish thali, is it? Yes. That's a fish thali. I tried the fish thali, it was nice. How do you find it? Good. And what about the egg curry? Egg curry is good. Okay. Enjoy your meal. Thank you. तो ये रेस्टोरेंट का सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हो।